जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कमांडो एकेडमी पर। दोस्तों आज का ये वीडियो स्पेशली आप सभी की जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में, एक तो TOT को लेकर बहुत सारे भ्रम पैदा हो गए क्योंकि न्यूज़पेपर में कोई भी मसाला नहीं मिलने के कारण केवल एक TOT ऐसा हो गया है जिस पर बात हो रही है, नई वैकेंसियों पे कोई बात नहीं हो रही, सिर्फ और सिर्फ TOD। आप पेपर में जब भी खबर पढ़ेंगे आर्मी की, सिर्फ TOD। और इसको लेकर बहुत सारे बच्चे अब है कि 3 साल की नौकरी, 6 साल की तैयारी, क्योंकि आर्मी में जाने वाला बच्चा लगभग 16 साल की उम्र से रनिंग करने लग जाता है, 14 साल की उम्र से करने लग जाता है। तो 6 साल वो तैयारी करेगा, फिर 3 साल की नौकरी करेगा, फिर इसके बाद में फिर एग्जाम देगा, फिर दोबारा क्या तैयारी करेगा। ये बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो आपके मन में है, बहुत सारे कमेंट्स में भी हमारे पास में आते हैं, लेकिन इसमें वास्तविकता नहीं है। मैं आपको बता दूं, जितने भी बच्चे जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं और जो TOD के नाम पर भ्रमित हो रहे हैं, उन सभी को बता दूं मैं, जैसे लिखी हुई 3 साल की नौकरी, 6 साल की तैयारी। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि हम तैयारी करके 3 साल के लिए क्या नौकरी करेंगे। मैं बताऊं कि न्यूज पेपर वाला बहुत ज्यादा मिस्टेक कर रहे हैं, बहुत ज्यादा गलत भी लिख रहे हैं। जैसे कल मैंने एक न्यूज पेपर की कटिंग देखी, उसमें लिखा हुआ है कि अब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सभी की जो भर्तियां TOD के तहत होगी। ये बिल्कुल गलत लाइन है, ऐसा नहीं होगा। मैं आपको बता देता हूं TOD के बारे में जो वास्तविक चीजें क्या होती है। देखिए TOD टूर ऑफ जो ड्यूटी है ना, ये 100% नहीं होगी, 100% सेना इस पर आधारित नहीं होगी, ध्यान रखना। अगर ये लागू भी होती है तब बताता हूं, इस पर 100% सेना आधारित नहीं होगी बेटा। कि कोई भी ऐसा देश नहीं है जो केवल 3 साल के लिए अपने जवानों को तैयार करे और फिर उसकी सुरक्षा के साथ में खिलवाड़ करे, ऐसा कभी नहीं होगा। TOD के दौरान जितने भी विकसित देश है, इनमें TOD बहुत पहले से चल रही है। जैसे अमेरिका में 4 साल की है TOD, टूर ऑफ ड्यूटी, और इसके फायदे भी उन्होंने दे रखे हैं उनको, अलग अलग जो एजुकेशन उनकी फ्री कर रखी है, उससे आगे अगर कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, उसकी एजुकेशन फ्री कर रखी है, उसको मतलब स्कॉलरशिप दे रखी है, बहुत सारे प्रॉफिट भी इसके साथ मिलते हैं। लेकिन जो TOD है, जैसे मान के चलिए कि 100 सीट है, तो इसमें से 90 सीट ऐसा करते हैं फिक्स रहेगी, जो अभी जो आर्मी की भर्ती चल रही है इसी प्रकार, जो 10% जो सीटें जो फिक्स होती है, इसको TOD के रूप में बदलते रहेंगे। तो राज्यसभा में जिस प्रकार से होता है कि हर 2 साल बाद में राज्यसभा में क्या होता है, 1/3 सदस्य चेंज होते रहते हैं, उसी प्रकार ये 10% चेंज होते रहेंगे हर 3 साल बाद में, जिस प्रकार से राज्यसभा चलती है उसी प्रकार। लेकिन जो ये 90% फिक्स जवान है, ये 90% फिक्स ही रहेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं रहेगा, ध्यान रखना। ये फिक्स है, ये तो फिक्स रहेंगे, केवल 10% जो है इसको टूर ऑफ ड्यूटी में बदल सकते हैं। हाँ, ये 10% की बजाय परसेंटेज बढ़ा हो सकता है, 15 कर सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। तो कहने का मतलब है जो अभी आर्मी की भर्ती चल रही है, ये बिल्कुल चलती रहेगी, जारी रहेगी। तो टूर ऑफ ड्यूटी है वो उनमें से केवल 10% या 15% जवानों पर ही लागू किया जाएगा, और उनकी भर्तियां फिर अलग से जैसे TOD की चलती है वैसे चलती रहेगी। लेकिन पूरी की पूरी जो सेना है वो TOD के अंदर नहीं आएगी, तो इसके लिए आप बेफिक्र रहिए, ठीक है। ये बिल्कुल अलग चीज है, इसका क्राइटेरिया भी अलग होगा टूर ऑफ ड्यूटी की, इसकी शर्तें भी अलग होगी, इसकी नियमावली भी अलग होगी, और ये हर एक बच्चे के लिए भी नहीं होगी। जो बच्चा 18 साल से आर्मी की तैयारी करता है, 21 साल के बीच में जैसे जो तैयारी कर रहा है, इसको फिक्स आर्मी की उसी भर्तियां देखने की उसको अनुमति दी जाएगी। टूर ऑफ ड्यूटी एक ऑप्शनल रहेगी, जो कि जिसकी एज या तो ज्यादा हो जाती है वो देख सकता है, या जिसकी इच्छा है इस एज में भी देखने की तो वो देख सकता है। लेकिन ये नहीं है कि सभी टूर ऑफ ड्यूटी में ही जाएगा, ऐसा नहीं है। न्यूज पेपर वाले अपने नमक मिर्ची डालकर अपनी मर्जी से लिखते हैं, इसीलिए न्यूज पेपर की किसी भी कटिंग को कोर्ट में सबूत के तौर पर पेश नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये बिल्कुल झूठी बातें हैं, ध्यान रखना, टूर ऑफ ड्यूटी ऐसे लागू नहीं होगी। अगर लागू भी होती है, पहले बात तो अभी इसका कोई ऐसा प्रावधान नहीं है, बना नहीं है, इसकी नियमावली नहीं बनी है कि क्या सामने आएगा, ये सिर्फ भ्रम के आधार पे, अनुमानित आधार पे चल रही है बेटा। इसीलिए मैं बता दूं, लगभग अगर बनेगी तो इस प्रकार से ही बनेगी, ये 100% है, क्योंकि विकसित देशों में ये बहुत पहले से चल रही है। तो आप वहां की अगर आपको सर्च करना, तो अमेरिका की टूर ऑफ ड्यूटी के बारे में जान लीजिए, आपको सारी गणित समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो आप तैयारी करते रहिए, रात दिन मेहनत करते रहिए भाई। जय हिंद, जय भारत, लाड लो।